हेलो गाइस, आप देख रहे हैं गॉसिप टाउन और मैं हूं आपके साथ कृतिका। दलजीत कौर ने अपने पति निखिल पटेल पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। दलजीत का कहना है कि निखिल उन्हें धोखा दे रहे हैं, उनका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है और इन तमाम चीज़ों को लेकर दलजीत काफ़ी परेशान है। पर गाइस, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि अब दलजीत के पति निखिल पटेल ने चुप्पी तोड़ी है और जो उनकी पत्नी दलजीत ने उन पर आरोप लगाए हैं उन पर अब वो सफाई देते नजर आए हैं। आखिर क्या कुछ कहा है दलजीत के दूसरे पति निखिल पटेल ने इन तमाम इल्ज़ामों पर। चले गाइस, आपको बताने का आ गया है वक्त। अगर आप हैं नए हैं मेरे चैनल पर गॉसिप टाउन पर तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माय चैनल गॉसिप टाउन। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। दरअसल निखिल पटेल ने साफ कर दिया है कि उनका कोई अफेयर नहीं चल रहा है। दलजीत का मन कीनिया में नहीं लग रहा था, वो सेटल नहीं हो पा रही थी, एडजस्ट नहीं हो पा रही थी और यही वजह है कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया है। पहली बार निखिल पटेल ने इन तमाम खबरों पर चुप्पी तोड़ी है। बता दें, पिछले साल ही निखिल और दलजीत की धूमधाम से शादी हुई। शादी के बाद जो दलजीत है वो केनिया शिफ्ट हो गई अपने बेटे के साथ, लेकिन शादी के 8 महीने बाद ही दोनों के बीच में खटपट शुरू हो गई है और अब जो दलजीत है वो इंडिया वापस लौट आई हैं। और इंडिया आने के बाद दलजीत ने अपने पति निखिल पटेल पर चौंकाने वाले आरोप लगाए हैं। दलजीत का कहना है कि निखिल का एसएन नाम की एक लड़की से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, वो उनके साथ ओपन मैरिज चाहते हैं, वो उनके साथ रहते हुए दूसरी लड़कियों से संबंध बनाना चाहते हैं। ये तमाम जो चीज़ें हैं ये दलजीत ने निखिल पटेल को लेकर कही थी, तो वही निखिल ने भी अब चुप्पी साधी हुई थी पर अब उन्होंने चुप्पी तोड़ दी है और उन्होंने अपना पक्ष रखा है और उन्होंने कहा, दलजीत और मैंने जो सोचकर शादी की थी हमारे बीच वैसा बॉन्ड नहीं बन पाया है। वो शादी के बाद केनिया में खुद को एडजस्ट नहीं कर पा रही थी और यही वजह है कि उन्हें अपने घर और अपने घर की टेंशन हो रही थी, बस इसीलिए वो घर छोड़कर इंडिया लौट गई है। मेरा कोई अफेयर नहीं चल रहा। यही नहीं, इंडिया लौटने के बाद उन्होंने मुझसे कहा उनके जो सामान है, जो बैग्स है, वो मैं वापस भिजवा दूं और मैंने वो सामान पैक करके वापस भेज दिया। जिस दिन उन्होंने केनिया छोड़ा, मेरे लिए ये रिश्ता वही ख़त्म हो गया है। यानी कि अब निखिल ने दलजीत से सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और अब दोनों के बीच में प्यार जैसा कुछ भी नहीं बचा है। मैं आपको बताना चाहती हूँ, दलजीत के लिए निखिल ने ये भी कहा कि जो दलजीत उनके बारे में सोशल मीडिया पर लिख रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ कहानियाँ बना रही हैं, उनमें कुछ भी सच्चाई नहीं है। मैं आज भी चाहता हूँ उनकी वो सक्सेसफुल हो, काफ़ी आगे बढ़े और मैं उनकी एक अच्छी लाइफ की, उनके खुश रहने की कामना करता हूँ। पर जो वो सोशल मीडिया पर लिख रही हैं वो तमाम चीज़ें बिल्कुल गलत हैं। दलजीत खुद को केनिया की लाइफ में सेटल नहीं कर पाई, इसलिए वो इंडिया लौट आई हैं, बाकी कुछ और नहीं है। ये तमाम चीज़ें दलजीत को लेकर निखिल ने कही है और निखिल ने अपना पक्ष रखते हुए तमाम जो उन पे आरोप लग रहे थे उन्हें गलत बताया है। कैसा लगा वीडियो ज़रूर बताइए। इस वीडियो में इतना ही।